हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बट आज हम डिस्कस करने आए हैं हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक डिस्कस करने आया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहने को तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री, ये सब के बारे में जानकारी आपको हाइब्रिडाइजेशन से ही मिलती है। तो ये करके हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड पैरामीटर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पैरामीटर और ज्योमेट्री बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? इसमें क्या होता है? वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन शेप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या एस बी हो सकता है, पी डी हो सकता है। तो वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो लगभग सेम एनर्जी के, यानी सेम इसलिए बोला गया सेल नंबर सेम हो या फिर उसके अगल बगल वाली शेल हो, ठीक है, तो अप्रॉक्स सेम एनर्जी के हों। शेप डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एस का शेप अलग है, पी का अलग है, डी का अलग है, एफ का अलग है। तो वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्डर जो लगभग सेम एनर्जी होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉपर क्या है, वो हाइब्रिडाइज होते हैं और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उन सबकी एनर्जी सेम होगी। सपोज करिए एक एस और एक पी यदि हाइब्रिडाइज होता है तो दो एस पी ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, दोनों की एनर्जी सेम होगा। एक एस दो पी हाइब्रिडाइज होगा तो sp2 बना, तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यानी कहा जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होता है, डीजेनरेट होते हैं। एक बात दूसरा ध्यान रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यदि एक s एक p इन्वॉल्व हुआ तो दो sp बनेगा, एक s दो p इन्वॉल्व हुए तो तीन sp2 बनेगा, एक एस तीन पी इन्वॉल्व हुआ तो चार एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक एस तीन पी एक डी इन्वॉल्व हुआ तो पांच एस पी थ्री डी या पांच डी एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक एस तीन पी दो डी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो छह एस पी थ्री डी टू या छह डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यानी क्या मतलब है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ये बात हो गई। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है बेटा, किससे, या तो एटॉमिक ऑर्बिटल से करें चाहे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से करें, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। इसका मतलब हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। ये ध्यान रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ओके, ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आपको यदि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है तभी, वरना आपको डाउट हुआ तो फिर आंसर गलत हो जाता है। ठीक, और क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में वो ज्यादा पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री या शेप, या कभी आपको पूछ लेता है कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये सब बातें होती हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाफ फिल्ड fulfilled and vacant all three types of orbitals involved in hybridization। और देखिए hybridization में half filled orbital भी involved होता है, fulfilled भी और vacant भी। ओके, तीनों टाइप के atomic orbitals hybridization में involved हो सकते हैं। देखिए बेटा वो जो पहले बता दी, number of hybrid orbital produced is equal to number of atomic orbitals participate। वो जितने मतलब उतने ही hybrid orbital form होंगे जितने atomic orbitals hybridization में participate किए हैं। Next point क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाए या एटॉमिक ऑर्बिटल से बनाए, लेकिन वो फॉर्म हमेशा क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड करेंगे। ओके, हमने एक थोड़ा सा आपको चार्ट बनाया है थोड़ा समझने के लिए, जस्ट की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन और उसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, ये थोड़ा आपको जस्ट याद रहेगा तो आगे हम लोग चीजें समझना और आसान रहेगा। देखिए बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एसपी है, क्या है एसपी, और उसकी रेगुलर ज्योमेट्री लीनियर होगी।
रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। दूसरा बनेगा जो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका होगा वो होगा sp2, क्या होगा sp2, और जो रेगुलर ज्योमेट्री वो क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। फोर सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या कंडीशन होगा, दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक आपका पॉसिबल है sp3, दूसरा पॉसिबल है dsp2। इसमें जो डी होता है कौन सा होता है dx2 - y2, ये जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है dx2 - y2 ऑर्बिटल है आपका। तो दो संभावना, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, क्या होगा बेटा टेट्राहेड्रल, और यदि dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपका 5 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो दो पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d या dsp3। बड़े जो पहले डी दिखा रहा था एक्चुअली होता क्या, वह इनर n-1 जो वैलेंस सेल की पहले सेल होती है n-1 सेल सेल का डी होता है, इसीलिए उसको पहले लिखा है, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में सीखेंगे। तो जो जब पहले डी लिखा होने का मतलब वह वैलेंस सेल की एक पहले जो सेल है यानी पेनल्टीमेट सेल है उसका डी इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए डी पहले लिखा है dsp3 या sp3d। ओके तो इसमें जो डी ऑर्बिटल आपका है वो है dz2, क्या होगा आपका dz2। तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है दोनों ही केस में sp3d हो या dsp3 हो, दोनों ही केस में ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और इसको हम लोग tbp कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा tbp, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके नेक्स्ट हमारा बेटा यदि सिग्मा बॉन्ड आपका 6 हो, 6 सिग्मा बनते हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बेटा दो पॉसिबल है, एक आपका इनर आउटर वाला यानी इनर डी हो d2sp3 या फिर आउटर वाला sp3d2, दोनों ही केस में आपका जो रेगुलर ज्योमेट्री होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट आपका बेटा 7 सिग्मा बॉन्ड यदि फॉर्म होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp3d3, इसमें जो आपका डी ऑर्बिटल है वो आपका है dxy dyz और dxz, ये तीन डी ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, किसमें होगा sp3d3 में, कौन सा dxy dyz dxz, और जो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है वो है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, क्या होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन जो पूछे आते हैं बेटा, उसमें ज्यादातर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन तीन तरह के कंपाउंड हो सकता है, एक आपका कंपाउंड आपका कंडीशन कंपाउंड, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड हो, और तीसरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बताएंगे, क्योंकि वहां आपको तुरंत हाइब्रिडाइजेशन बताना है, एक मॉलिक्यूल दिखा बता दिया, या कभी था उसका शेप पूछ लेता है या उसकी ज्योमेट्री पूछ लेता है, किसी क्वेश्चन में उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेता है, तो वो सब हम कैसे बताएंगे कम से कम समय में, उसके लिए आपको हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको हम पहले एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, बहुत आसान है वो चार्ट, आपको याद हो जाएगी बहुत इजीली, आपसे दो तीन बार यहाँ से हम आपको बताएंगे आज, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से वो चार्ट बनाइए, आपको चार्ट यदि याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए बेटा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ें लिखेंगे आपको उतने अच्छे से चीज़ें क्या होंगी कंठस्थ होंगी, वहाँ पर आपको सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे ऐसा टाइम रहता है, उतना समय मिलता है, तो आपको जितनी बार रिविजन होगा उतने अच्छे से आप वहाँ परफॉर्म करेंगे। ओके बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो हम वो चार्ट प्रिपेयर करते हैं, वो चार्ट आपको याद रखना है, और उसके बाद आपको हम देंगे शॉर्ट ट्रिक कि कितनी आसानी से हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का जो क्वेश्चन मिला है हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, और आगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि बहुत कम समय में सर ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया। ओके बेटा सेक्शन ले लिया तो हम इसे रख करें। ओके बेटा यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, और साथ ही आप बाकी जो मेरे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब चैनल पर उसको भी देख के अपना रिवीजन करते रहे, क्योंकि आपके पास समय कहने के लिए तो बहुत है लेकिन सिलेबस भी आपको बहुत पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है अच्छे से तैयार करना है, तो बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, तो उसको आप अच्छे से लगे रहिए, क्वेश्चन को एक बार करके नहीं पढ़े बार बार करिए, ताकि वो क्वेश्चन आपके जहन में अच्छे से फिट हो जाए, वहाँ आपको करना है कि कम से कम टाइम खर्च हो, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं कुछ समय लेते हैं, यदि आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
बेटा देखते हैं हम लोग क्या है, समझा रहे हैं आपको एक छोटा सा चार्ट याद रखना, क्या क्या चीज़ याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम लोग कहेंगे ईपी, क्या कह रहे हैं इसको ईपी, फिर बॉन्ड पेयर बोलेंगे पीपी, ब्लड प्रेशर नहीं बॉन्ड पेयर, ओके। फिर यहाँ पर बेटा आपका लोन पेयर, हम लोग कहेंगे आगे से एलपी, ओके। फिर आपका बेटा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। फिर ज्योमेट्री, उसके बाद शेप, देन एग्जांपल। सिंपली बड़ा तरीका है, आपको इस तरह से हमें चार्ट बनवाएंगे जो आपको याद रखना है, और फिर कैसे उसका प्रश्न निकालेंगे उसकी बात हम उस चार्ट की बात करेंगे, क्योंकि चार्ट याद रहेगा तो आप इजीली करते हैं, एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो चार्ट भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके बेटा। चलिए हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यदि कम से कम दो होगा, दो बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर क्या होगा जीरो, बेटा एक सिंपल सा आपको बता दें फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसी जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपका होगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगा, यदि बॉन्ड पेयर दो हो गया तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन दो ही था, ये क्या होगा जीरो, टू प्लस जीरो टू। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp, जो रेगुलर ज्योमेट्री होगी आपकी वो होगी लीनियर, क्या होगी बेटा लीनियर, शेप भी आपका होगा लीनियर, एग्जांपल की बात करें तो CO2 BeCl2 C2H2 etc, ओके। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वेलेन डाइक्लोराइड और एसिटिलीन, ठीक। यदि बेटा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर तीन हो, तीनों का तीनों आपका बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर जीरो हो गया, तो उसके इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्या होता है बेटा sp2, और जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी आपका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जांपल आपका बेटा होता है बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स, जैसे आपका बी एफ थ्री हो, बी सी एल थ्री हो, बी बी आर थ्री हो, बी आई थ्री हो, या ए एल सी एल थ्री हो, एसओ थ्री हो, एटसेट्रा, ओके। थोड़ा आपको समझ में क्या आ रहा है, इसके मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिसाइड क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कौन डिसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। आगे बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर तीन ही है लेकिन उसमें से बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर एक है, ओके। तो बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन वही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर यदि तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर ही डिसाइड करता है इसकी रेगुलर ज्योमेट्री, यानी इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर क्या होगा बेटा, शेप इसका चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा इसका, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इसका शेप हो गया V shape या बेंड शेप, बेंड शेप कैसा होता है, V shape कैसे होगा, ये सब बातें अभी हम चार्ट के बाद आपको मॉलिक्यूल लेकर डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको समझाएगा कैसे हुआ है। अभी फिलहाल आप चार्ट में ध्यान रखिए, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है उसमें दो बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा, ज्योमेट्री हमारी जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, शेप हमारा होगा V shape और बेंड शेप, और इसका एग्जाम्पल है SO सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। फिर देखिए
हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो लोन पेयर अपने आप क्या हो गया बेटा, 0। क्योंकि यदि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यदि बॉन्ड पेयर 4 के 4 है तो लोन पेयर 0 होगा, तभी तो 4 होगा बेटा। उस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका sp3, क्या होगा बेटा sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्या होगा बेटा टेट्राहेड्रल, शेप भी आपका होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, और एग्जांपल आपका है CH4, CCl4, SiH4, SiCl4 एटसेट्रा, ओके बेटा, ठीक है, कॉमा लगा दे। अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हो लेकिन उसमें से 3 बॉन्ड है और 1 लोन है, क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है लेकिन 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, उस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, जो आपकी ज्योमेट्री होगी वह टेट्राहेड्रल ही होगी लेकिन शेप क्या हो जाएगा चेंज होगा, क्यों चेंज होगा क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इस केस में जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल, क्या होता है पिरामिडल, और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है NH3, वेल नोन एग्जांपल PH3, PCl3 एटसेट्रा, ओके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, पूछे जाते हैं कुछ एग्जांपल भैया मैं आपको दे रहे हैं। तो देखिए बेटा अगला आपका कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हो, जैसे 2 आपका बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, भाई दोनों का सम इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर चाहिए तो 2 + 2 = 4 हो गया, इसके से बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और इन तीनों केस में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसीलिए तीनों केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि लोन पेयर आ गया तो शेप क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, तो जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो उस केस में जो शेप होता है वो होता है वी शेप और बेंड शेप, वी शेप और बेंड शेप, ये शेप होता है बेटा। एग्जांपल देखिए, सबसे ज्यादा लाइफ के लिए जरूरी क्या है, जल पानी H2O F2O एटसेट्रा, ओके तो ये आपका चार्ट है, इसमें आपको बहुत चीजें पता है लेकिन बेटा आप फिर भी लिखिए क्योंकि देखिए मैं आपसे कहा था कि बेटा होता क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद है लेकिन उस समय स्किप हो जाता है, तो बार बार आप उसको आपकी आंखों से गुजरता रहेगा, चीजें आपको याद होती रहेंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे इसको बढ़ाएं, ये लो स्क्रीनशॉट, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, हमने लोने इलेक्ट्रॉन पेयर 4 तक डिस्कस कर लिया, अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की, पूरा चार्ट हम आपको बना देंगे, उसके बाद एक एक एग्जांपल लेके सारे केस डिस्कस किए जाएंगे, आपको बता जाएगा कैसे हम लोग इसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, आपने सीखा होगा इसको कहीं ना कहीं, नहीं सीखा है तो आज सीख लीजिए, यदि सीखा है तो उसको फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बेटा कम से कम एक क्वेश्चन रहता ही है और बहुत आसान है, इजीली हो जाता है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ध्यान इसलिए रखना है बेटा क्योंकि ज्यादातर आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में या थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती करने में, तो क्वेश्चन आपको ईजी लगे उसको तो आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा क्या हो 5 है, पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर क्या हो गया 0 हो गया, वेरी बॉन्ड पेयर 5 है लोन पेयर 0 हो गया, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp3d, अब sp3d, अब यहां पे d2sp3 लिख रहा हूं बेटा, तो dsp3 या d2sp3 ये सब हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहां पर हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो sp3d होगा, ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं TBP, क्या मतलब है TBP, कोई आपको इस तरह भी लिखा होता है TBP लिखा हो, TBP का मतलब क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन T
टीबीपी के फॉर्म में भी मिल सकता है। टीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर शेप भी बेटा आपका क्या होगा? टीबीपी, क्योंकि लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल पीसीएल फाइव, पी एफ फाइव, एस सी एल फाइव। ओके ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है जिनमें हाइड्रेशन एस पी थ्री डी होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पांच होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ लोन पेयर पर भी आता है, हाइब्रिडाइजेशन पर भी आता है, ज्योमेट्री शेप सब चीज़ों पर आता है, तो आप इसलिए हम सारी चीज़ें लिखवा दे रहे हैं। ओके, यदि बेटा आपका बॉन्ड पेयर पाँच हो, जैसे सॉरी लोन सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर पाँच हो, चार बॉन्ड पेयर है तो एक लोन पेयर हो गया, हाइड्रोजन आपका एस पी थ्री डी होगा, ज्योमेट्री आपकी टी पी होगी, शेप आपका चेंज होगा, शेप होगा आपका सी सॉ, सी सॉ शेप, या इसकी जगह पे आपको मिल सकता है डिस्टॉर्टेड टेट्रा सी सॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। उस पर आंसर देंगे तभी सही होगा। एग्जाम्पल बड़ा इसका है आपका XeO2F2 और SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड और सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप होगा सीसो और डिस्टॉर्टेड टेट्रा हेड्रल। अगला बड़ा एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर पांच हो, तीन बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है। क्या बेटा? तीन बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगी, शेप चेंज हो जाएगा, शेप यहां पर आपका होगा टी शेप, शेप क्या होगा? टी शेप। एग्जांपल देखिए ClF3, IF3, XeOF2 etc. ओके, ClF3, IF3, XeOF2, यानी ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड। क्या बड़ा इसका नाम है? ज़ीनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड। ये सब एग्जांपल हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, टीबीपी होगी, लेकिन शेप क्या होगा? टी शेप। ओके, अगला देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 हो लेकिन दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर। क्या बेटा? दो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका? हाइब्रिडाइजेशन आपका वही है sp3d, ज्योमेट्री आपकी बेटा क्या है? tbp, क्योंकि आपको बता दें पीछे, ध्यान रखिए ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके ठीक, इसका शेप होगा लीनियर। क्या होगा बेटा? लीनियर। एग्जांपल है i3 माइनस का एग्जांपल है, शेप होगा लीनियर, ज्योमेट्री होगी टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाइड्रेशन होगा sp3d, नंबर ऑफ लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर 5। ये चीजें थोड़ा आपको याद रहेंगी तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, बाकी कैसे निकालेंगे इसकी बात अभी हम जस्ट चार्ट कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे। तो बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, हम आगे बढ़े। ओके बेटा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तक डिस्कस कर लिया है, और हमें डिस्कस करना है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर 6। बहुत ही ईजी है बेटा, आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बस करना ये है कि रोज का रोज हमारा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते हैं, तो स्किप में क्या होता है कि बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, उसका नुकसान उसे बताया जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे और क्वेश्चन आपका गलत होगा
तो आप फिर जब देखेंगे दोबारा वीडियो तो आपको लगेगा सब पूरा देख लिया होता है, इसलिए वीडियो किसी का भी देखे ना पूरा देखा करें, आपको अच्छा लगे तो पूरा देखें, बाकी तो आपकी वो है क्योंकि जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होंगी। खुद तो आपने पहले पढ़ रखा हो लेकिन दोबारा अगर कुछ सीखे तो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये आपके चीज़ों को सिखाने के लिए आया है, बार बार सीखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर सिक्स है, आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या होगा, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखिए ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल क्या बेटा, सबसे फेमस एग्जांपल SF6, SeF6 एटसेट्रा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे फेमस एग्जांपल, क्वेश्चन इस तरह था एक्सेल, इसका वैसे बताइए, शेप बताइए, ज्योमेट्री बताइए। अगला बेटा देखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर छः हो उसमें से क्या हो, पाँच बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, क्या होता है, पांच बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, इस केस में आपका जो हाइड्रेशन है हाइड्रेशन वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर छह ही है, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड कौन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है, तो शेप इसका होता है स्क्वायर, शेप क्या होता है, से पता है स्क्वायर पिरामिडल, से क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल, बट आपको बताया गया कि देखिए ज्योमेट्री डिसाइड करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन दोनों ही केस में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर छह है, हाइड्रोजन sp3 sp2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन शेप डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि लोन पेयर जो आता था वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, शेप फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वह शेप में शेप डिसाइड नहीं करेगा, तो शेप बदल गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। एग्जांपल देखिए ClF5 XeOF4 सिनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड या क्लोरो पेंटाफ्लोराइड, ओके ये एग्जांपल है किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 5 बॉन्ड 8 लोन हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप स्क्वायर पिरामिडल, ओके नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर छ हो मतलब चार बॉन्ड पेयर हो दो लोन पेयर हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप इसका होगा स्क्वायर प्लेनर, एग्जांपल XeF4 सिनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF4 बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, पूछता है XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो उसमें कितने लोन पेयर होंगे, तो आपको अभी तरीका सिखाएंगे, आपको मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेगा बताने में, ये प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत कम समय, हम बताएंगे समय लगेगा लेकिन आपको प्रैक्टिस जाएगी तो बहुत कम समय लगेगा, इंस्टेंट आप आंसर उसका दे देंगे। नेक्स्ट बेटा आप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो सातों का सातों बॉन्ड हो तो लोन पेयर क्या हो गया, जीरो, हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp3d3, क्या होगा sp3d3, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी इसकी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, इसका शेप क्या होगा बेटा, शेप भी वही होगा सेम क्योंकि लोन पेयर जीरो है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका शेप होगा और पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल है IF7, क्या एग्जांपल है, आइडोहेप्टाफ्लोराइड, ओके नेक्स्ट और लास्ट देखिए बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो तो 6 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, 6 बॉन्ड पेयर हो एक लोन पेयर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d3 होगा, ज्योमेट्री आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है तो शेप क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा,
इस केस में शेप होता है, इस कंडीशन में शेप होता है पेंटागोनल, पेंटागोनल पिरामिडल। एग्जांपल है एक्स ई एफ सिक्स सिनोन हेक्साफ्लोराइड इज एग्जांपल। पढ़ाइए आपको चार्ट है टोटल थ्री स्टेप में हमने लिखाया, तो इतना आपको याद रखना है। यदि आपको याद है तो यदि पहले तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, फिर कैसे निकालेंगे यदि आप भूल गए। मान लीजिए आपको सिर्फ कंपाउंड मिला और आपको चार्ट याद नहीं रहा, चार्ट तो सिर्फ सीखने के लिए है, चाहे बाद बड़े आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और बाकी कैसे निकालेंगे उसकी बात हम करने जा रहे हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आपको हम ट्रिक बता रहे कैसे करेंगे। कॉपी कर लिया बेटा, लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये चार्ट याद रहेगा और एक वेल नोन शॉर्ट ट्रिक है, इसकी सहायता से हम लोग जो है निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। उसमें थोड़ी चीज आपको याद रखनी है, आप पूरा सबसे सिंपली है कि आपको कोवेलेंट कंपाउंड कोई मिला है जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन या शेप या ज्योमेट्री या नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि आप उसमें सेंट्रल टर्म बजाना आसान है, सेंट्रल टर्म है इसका मतलब जो एक ही होता है सेंट्रल टर्म, तो एक ही होगा जिससे सेंट्रल होंगे। सेंट्रल टर्म के आपको निकालना है सेंट्रल टर्म और उससे जुड़े हुए सारे एटम जो हैं उन सब का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना है, और यदि उस पर आपको आयनिक स्पेस मिला पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जितना पॉजिटिव है उतना घटा देना है, और यदि नेगेटिव चार्ज स्पेस है जितना नेगेटिव चार्ज है वो जोड़ देना है। क्या कहा बेटा हमने, हम रिपीट करते अपनी बात को, क्या आपको किसी कोवेलेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपको जो भी कंपाउंड मिल रखा है आपको उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल की बात करें, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए, यानी आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, उड़ जाएगा सब आराम से। फिर क्या करिए बेटा, यदि मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल ने देकर आयनिक स्पीसीज दे रखा है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो आप क्या करिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव क्या करिए घटा दीजिए, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ना तो उतना इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा। यदि निगेटिव चार्ज लगा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन तो ही है साथ में जो निगेटिव चार्ज लगा उतने इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ने हैं, कि निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितने निगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड अप कर देंगे, ये आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है करेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएगा कि यदि आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह आठ या आठ से कम है, क्या बेटा आठ या आठ से कम है तो दो से भाग दे दीजिए, जो आपका क्वाड्रेंट आएगा वह होता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर आपका यदि मान लीजिए आठ से ज्यादा आता है जोड़ने पर, आठ से ज्यादा आए तो आठ से भाग दे दीजिए, जितनी बार जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें आपका कुछ बच जाएगा, जो बचेगा जिसमें उसको जो बचा हुआ आपका रिमेंस है उसको टू से डिवाइड कर दीजिए, तो पहली बार जब आठ से डिवाइड किया वो क्वाड्रेंट और जो टू से डिवाइड किया वो जो क्वाड्रेंट आया बचांग आया उन दोनों का जोड़ होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया तब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर निकलते ही आपने निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। अब आपको निकालना है बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर का एक सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल माइनस वन। माइनस वन क्यों होता है, क्योंकि एक तो सेंट्रल टर्म होगा, सेंट्रल टर्म क्या होता है सेंट्रल टर्म से बाकी लोग जुड़े होंगे तो कितने बॉन्ड बने, बॉन्ड पेयर मतलब क्या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने हैं, तो सेंट्रल टर्म तो से लोग जुड़ेंगे तो वन उसको घटा देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मिल जाएंगे। ओके बेटा, ये बात हो गई ओरली, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला हमने एग्जांपल लिया क्या CO2, यहीं से शुरू करते हैं CO2 से। आपको बोला बेटा क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार, ऑक्सीजन में कितनी होती है छः, तो दो ऑक्सीजन है तो छः गुणे दो छह हो गया, बारह चार 16, कितना हो गया 16 हो गया, नहीं हो गया भाई ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में 6, दो ऑक्सीजन है 6 में 12 और कार्बन में 4 16। आपको बोला भाई 8 से ज्यादा हो तो 8 से भाग देंगे,
इसको 8 से भाग देंगे ये दो बार जाएगा, तो ये क्या है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर दो का। आपको पता है कि हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन होता है एसपी, कितना होता है हाइड्रोजन एसपी, और शेप क्या होता है लीनियर, शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होती है लीनियर। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ओके कुछ बात ठीक लग रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आगे क्वेश्चन में और समझ में आएगा। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक बहुत हल्ला हुआ है इसका, BCl3 बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स ट्राई प्लेनर होते हैं, तो हमने BCl3 लिया। बोरॉन बेटा क्या, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा याद होना चाहिए, इतना तो याद रखना पड़ेगा, बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तीन, एक क्लोरीन में 7। बेटा देखिए ग्रुप यदि आपको याद है किस ग्रुप में आता तो भी आप इजीली बता सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्ट्राडीन हो, ये सब 17वें ग्रुप के एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली के मेंबर है। तो हैलोजन फैमिली कोई भी मेंबर हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडीन, सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा, एक क्लोरीन में 7, तो 3 ही क्लोरीन था, तो 17, 21, 21 और 3, 24 कितना होगा, 24, 8 से डिवाइड किया, 3 टाइम गया, कितने टाइम होगा, 3 टाइम गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 3 आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2 क्या हो गया, और इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, ट्राई गोनल प्लेनर, ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, ट्राई गोनल प्लेनर। तो देखिए बोरोन, क्लोरीन, क्लोरीन ट्राइगोनल प्लेनर से भी है। अगला हम एग्जांपल लेते हैं SO2 का। ओके अगर बात क्लियर है, तो ये सल्फर में कितने, 6 में ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम, इनमें से कोई भी हो, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम, ये भी 16 ग्रुप के मेंबर है, तो सारे के सारे 16वें ग्रुप के मेंबर्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। सल्फर में 6, एक ऑक्सीजन में 6, दो ऑक्सीजन में 6, 12, तो 6 × 2, तो 12 6 18 हो गया। अब मुद्दा आ गया बेटा, हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे इसको 18 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 हो गया, 2 बचा, जो बचा उसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार, ये और ये जोड़ दिया, तो 2 + 1 = 2 क्या हो गया, 3 हो गया। बता आपको पहले 8 से डिवाइड करें, जितनी बार जाए, जो बचे उससे 2 से डिवाइड करते, दोनों को सम कर लें, तो 2 + 1 = 3 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया, तो दो चीज तो आप बता ही सकते हैं, क्या क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और ज्योमेट्री क्या हो गया बेटा, इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राई गोनल प्लेनर। बहुत ध्यान रखना बेटा इसी चीज का, क्या आपसे ज्योमेट्री पूछी है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक, जब लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, लेकिन यदि लोन पेयर होगा तो बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से बेटा कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, ये तो हो गया शेप, आप देखिए अब हम आते हैं बॉन्ड पेयर पे, तो बॉन्ड पेयर निकालना सबसे आसान है, बॉन्ड पेयर इक्वल टू होता है फॉर्मूला इसका, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल माइनस 1, यानी मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम है उनका सम माइनस 1। तो देखिए कितने एटम है, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, 3 एटम है, तो इस केस में जो बॉन्ड पेयर होगा वो हो गया 3 - 1 मतलब 2। अगर बात क्लियर हो गई बेटा कि बॉन्ड पेयर 2 है, तो आपको पीछे था हमने इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है, इसके मतलब लोन पेयर भी तो होगा, लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है माइनस 2 1 है, लोन पेयर क्या है 1, पेयर क्या है 1। और इसका शेप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये इसका क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है बेटा लोन पेयर, ये शेप क्या है वी शेप या और बैंड शेप, वी शेप और बैंड शेप, कोई दिक्कत नहीं था, मुझे वो समझ आने लगी होगी, यहाँ तक हो गया। अब हम अगला एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हमने नंबर डाल कर दे, दूसरा ये हमने किया, तीसरा हमने करने आया एग्जांपल फोर्थ,
हमने लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, थोड़ा इसमें देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 7, तो 7 × 4 कितना हो गया बेटा, सच 28, 28 दो 30 दो 32 कितना हो गया 32, 8 से ज्यादा है, 8 से भाग दे दीजिए सीधा जाएगा 4 टाइम्स, कितनी बार गया बेटा 4 टाइम्स। ओके, इलेक्ट्रॉन पे आपका कितना आ गया 4, कितना गया बेटा 4, तो बात क्लियर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन थ्री हो गया, अब हम इसमें बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या था हमने बताया आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो बेटा, कार्बन 1 4 क्लोरीन, तो 5 एटम हुए -1, तो बॉन्ड पेयर कितना 5 - 1 4 ही हुआ, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर क्या हो गया 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, यदि बॉन्ड पेयर ही 4 है तो ये 0 होगा। इसका ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसका शेप हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्री आपको चार्ट से याद हो चाहिए, शेप इसका होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं, सीएल 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 और याद हो गया आपका, इसको आप कॉपी कर लिए, ऊपर बड़ा हो गया आपका, उसको मिटा लूं, ये आपने कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, तो आपको समझ में आप चीज़ें आने लगी होगी कि आपको यदि मॉलिक्यूल मिले, कोई भी कंपाउंड मिलता है, उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, शेप बताना हो, ज्योमेट्री बतानी हो, तो आपको वो चार्ट याद रहे और ये ट्रिक ध्यान में है, तो बिल्कुल आपका 10 से 12 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि तो आपको यदि प्रैक्टिस में है तो आपको इससे समय नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में गलती ना हो, स्पीड बढ़ाएं बेटा लेकिन गलतियों को बचाएं, ये ध्यान रखना है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 5th हम करने जा रहे हैं, वेल नोन एग्जांपल NH3 यानी अमोनिया। देखिए इसमें क्या है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी हो, इसमें इनमें कोई भी हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे, हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो 5 × 3 = 8 हो गया, 2 से भाग दिया तो 4 बार गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है बेटा 4, कितना है 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा sp3। अब हम बॉन्ड पेयर की बात करें यहां पर, तो बॉन्ड पेयर देखिए कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं अमोनिया में 4, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 4 एटम है, और बॉन्ड पेयर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एटम -1, सेंट्रल एटम को हम घटा देते हैं, तो ये बॉन्ड पेयर आएगा 3, इसकी मतलब लोन पेयर कितना हो गया 1, लोन पेयर कितना हो गया 1, तो इसका शेप देखिए, ये नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, शेप क्या है इसका, शेप है पिरामिडल, शेप क्या है पिरामिडल, शेप क्या इसका पिरामिडल। अगला देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 6, हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज्यादा लाइफ में जरूरी क्या है, पानी, ऑक्सीजन और वाटर, तो हम आप पानी की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्लस ऑक्सीजन से 6 कितना हो गया 8, 2 से डिवाइड किया 4 टाइम गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन कौन डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब हम करें बॉन्ड पेयर की बात, तो बॉन्ड पेयर कितना बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो 3 एटम है, 3 - 1 2 हुआ, बॉन्ड पेयर 2, तो इसके मतलब लोन पेयर कितना हो गया 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, देखिए इसका शेप क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके पास कितना होगा 2 लोन पेयर होता है, ओके बेटा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा दिखने के लिए कि वो जगह ले रहा है, ये क्या हुआ वी शेप और बैंड शेप, वी शेप और बैंड शेप, ये वाटर मॉलिक्यूल का शेप है, या तो आपको वी शेप मिलेगा ऑप्शन या फिर बैंड शेप मिलेगा, ठीक है, याद है मुझे तक समझ निकल गया, आपको बहुत आसान लग रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन, यदि आप हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से पहली बार सुन रहे हैं देख रहे हैं तो बहुत इजी लग रहा होगा, यदि आपने पहले से पता है तो अच्छी बात है, इसी साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉरी अगला हमारा, अब हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं 7th, वो आपका है PCl5 फॉस्फोरस है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन में 7 × 5 कितना हो गया बेटा, सब मिला के हो गया 40,
अतः 35 5 40 8 से डिवाइड कर दिया, 5 टाइम गया, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल गया 5, कितना मिला 5। बॉन्ड पेयर कितना बेटा भाई, 6 एटम है, एक फॉस्फोरस 5 क्लोरीन, तो 6 - 1 5 हुआ, बॉन्ड पेयर 5 है, इसके मतलब लोन पेयर कितना है, रसगुल्ला 0। उत्तर क्या है, रसगुल्ला मतलब 0। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का हुआ sp3d, ज्योमेट्री और शेप दोनों, मतलब ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं TBP, क्या बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ आपको बना के दिखा रहा है शेप इसका, यहाँ पर फॉस्फोरस Cl और Cl, ओके तो आप जोड़ेंगे बेटा, हम ब्लू कलर जोड़ते हैं तो समझ आएगा, यदि इसको जोड़ेंगे आप एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या हो गया ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्या हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिड, या कहो गया अब तक का शेप। अगला हमें करना है क्वेश्चन 8 है ना, 8 XeO2 XeO2 F2, क्या था एग्जांपल, XeO2 F2 या SF4 ने एग्जांपल लिखा था, तो आपको देखिए बेटा ज़ीनॉन मतलब क्या होता है, 18 ग्रुप का है, 18वें ग्रुप का एलिमेंट है, गैस है, इनर्ट गैस है, भाई हीलियम को छोड़ दें तो हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले चरण में, हीलियम के बाद कौन हुआ, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है, कितनी होती है बेटा 8, तो ज़ीनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, O2 है दो ऑक्सीजन तो 12, फ्लोरीन में कितना होता है, एक फ्लोरीन में 7, दो फ्लोरीन है तो 14, मेरे तरफ से कोई दिक्कत तो 12 8 20 10 30 10 30 34, 8 से डिवाइड करेंगे बेटा तो उसमें हमने आपको कर रहा है 34, 8 से 8 आपका sp3d, इलेक्ट्रॉन पेयर से डिसाइड हुआ हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या हो गया sp3d। अब आते हैं बॉन्ड पेयर पे, तो बॉन्ड पेयर कितना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं भाई, ज़ीनॉन 1, 2 ऑक्सीजन 3, दो फ्लोरीन 3, दो 5, तो 5 एटम टोटल मॉलिक्यूल में है, और बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल माइनस 1, तो 5 - 1 4, तो बेटा बॉन्ड पेयर आपका हो गया 4, इसके मतलब लोन पेयर आपका क्या है 1, लोन पेयर 1 है, इसका शेप देखिए, इसका शेप समझिए क्योंकि ये सी सॉ शेप है इसका, बेटा ये आपका भाई ज़ीनॉन हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर लोन पेयर वाली लोन पेयर है, तो यहाँ पर इसको रखते हैं, क्यों रखते हैं इसकी बात आपको हम बता रहे हैं, फ्लोरीन और ओके समझिए ध्यान से बड़ा, टीबीपी सेट में क्या होता है कि आपका ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, तीनों जो कॉर्नर है ट्रायंगल के वह कहलाते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं बड़ा इक्विटोरियल पोजीशन, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है भाई, 360 पूरा होगा, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए 120 होगा, और जो अबव और बिलो है उसको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं एक्सियल, और वैलेंस शेल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वैलेंस शेल रिप्रेजेंटेटिव ये कहती है, वेस्पर ये कहती है कि लोन पेयर हमें वहां रखना है मॉलिक्यूल, मतलब उस पोजीशन में रखना है जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो बड़ा सीधी बात के पास दो कंडीशन, या तो 120 डिग्री पर रखें या तो 90 डिग्री रखें, 120 डिग्री पर क्या होगा रिपल्सन कम होगा, इसीलिए टीबीपी ज्योमेट्री में यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में आपको यह ध्यान रखना है हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे जाएंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कौन सी क्वेश्चन ये आएगा, तीनों कहीं रखा यहाँ रखा, देखिए सी सॉ झूला है, ये क्या होगा सी सॉ झूला, आपने देखा होगा पार्कों में लगा रहता है बच्चों के झूलने के लिए, तो बच्चे तो उसमें झूलते नहीं है लेकिन बड़े जाते हैं उनका भी झूलने का अपना बचपन याद करके वो उस पर झूलते हैं, से झूला जल्दी टूट जाता है, होता बच्चों के लिए है लेकिन बड़े भी अपना हाथ आजमा लेते हैं, तो ऐसे दो पिलर्स दो जमीन में खड़ा होता है, बाकी इधर एक आदमी बढ़ता है इधर एक आदमी, तो ऊपर नीचे बच्चों में होता है वो झूलता है, होता है सी सॉ, क्या मतलब है सी सॉ, सी सॉ शेप हुआ ये,
या यदि ये ऑप्शन नहीं मिला है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, सी सो नहीं मिला है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आप ऑप्ट करेंगे ऑप्शन। ओके नीचे वाला कॉपी कर लिया आपने, उसको मैं रब कर दूँ, फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत आसान है बेटा हाइड्रेशन बताना कोवेलेंट कंपाउंड का, इसके बाद आपको हम उसमें भी सिखाएंगे कोऑर्डिनेशन में कैसे बताते हैं। और एक बात मुझे समझ आ गई, तो आपको एक से दो क्वेश्चन कम से कम मिलते हैं हाइड्रेशन के हर कंपटीशन में, आप चाहे पी एच डी दें चाहे जी आई सी लेक्चर दें, तो इसलिए आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा फटाफट आप कर देंगे और टाइम भी आपका बच जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल नौवां है CLF3, बड़े फ्लोरीन में सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी सात ही होंगे, तीन फ्लोरीन में सात तरीके 21, कितना हो गया बेटा 28 हो गया, डिवाइड कर दीजिए। देखिए 28 को हमें डिवाइड करना है, बताया था आपको किससे करते हैं पहले 8 से, 3 टाइम जाएगा 24, कितना बचा 4, 2 से किया कितनी बार गया बेटा 2 टाइम्स गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 3 प्लस 2 मतलब 5 आया बेटा, छोटा दिख रहा होगा 5, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, क्या हो गया sp3d। अब बॉन्ड पेयर की बात की जाए, कितने एटम है मॉलिक्यूल में, एक क्लोरीन तीन फ्लोरीन चार एटम है, बॉन्ड पेयर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस वन, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, तो लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो 5 माइनस 3 मतलब 2। ओके इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होता है टी शेप, कैसे होगा देखिए भैया रेगुलर ज्योमेट्री थी लेकिन लोन पेयर के आने से क्या हो गया सब चीजें बदल गई, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, तो डे टी ना हुआ क्या बेटा आपका शेप इसका है टी शेप, क्या है इसका टी शेप। बहुत आसानी से रिजल्ट भाई ध्यान रखना कि हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में TBP ज्योमेट्री में जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आता है उसमें हमेशा लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 10, ये क्या है हमारा, ये हमारा I3-। और देखिए आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे, भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन फैमिली में सब में 7, तो 7 1 में 3 है, नेगेटिव चार्ज 1 है तो यानी +1, सब मिला कितना हो गया 22 हो गया, तो करिए डिवाइड 22 8 से करना है 2 टाइम्स आएगा 16, कितना बचा 6, जो बचा उसको 2 से 3 टाइम्स गया 6 कट गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 2 यहाँ 3 यहाँ +3 मतलब 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, क्या हो गया sp3d। बॉन्ड पेयर की बात की जाए वो टोटल 3 आइटम है I3- में, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3-1 मतलब 2, तो लोन पेयर कितना हो गया बेटा, लोन पेयर हो गया 3, बॉन्ड पेयर 2 है तो बॉन्ड पेयर 3 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, दोनों मिला के 5 हो रहा है। अब बेटा यहाँ पर शेप देखिए कैसे हुआ बेटा, ये आपका था कंडीशन आयोडीन का, 3 लोन पेयर है, तीनों कहाँ जाएंगे इक्वल पोजीशन, इसमें से क्या है नेगेटिव चार्ज भी है, बचा हुआ 2 एटम कहाँ जाएगा, हो जाएगा एक्सियल पर, तो शेप ये क्या है लीनियर, क्या बेटा लीनियर शेप। ओके अब मुझे आपको चीजें आसान लगे तो बहुत इजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं बेटा, इसे कॉपी करिए फिर हम इसके आगे एक एग्जांपल करें, ऊपर बेटा कॉपी कर लिया आपने तो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है SF6, क्या बेटा SF6, अगला एग्जांपल हमारा SF6 है, तो आप इसको बेटा खुद से ट्राई करिए, तब तक हम इसको रब कर रहे हैं एक बार उसे खुद उसका इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन शेप सब बनाकर एक बार प्रयास करिए। कितनी देर में रब किया उतनी देर में हो जाना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा समय आपको वहां नहीं मिलेगा। हो गया बेटा आपका, चलिए क्रॉस चेक कर लीजिए, क्वेश्चन 11th एग्जांपल है आपका SF6 अल्फा में 6, एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है तो 7 × 6 सब मिला जुला के बेटा होगा 48, 8 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, बॉन्ड पेयर कितना हो बेटा
टोटल एटम कितना, एक सल्फर का 6 फ्लोरीन, तो 7 हुआ, 7 माइनस 1 6, बॉन्ड पेयर 6 है, इसके मतलब लोन पेयर क्या हो गया, 0 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बड़ा, इसका शेप देखिए ये बना दे रहे हैं सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ओके ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, सारे कॉर्नर्स को फिर जोड़ देते हैं, क्या होगा आपको ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा आपको ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल ClF5, कितना होगा, ये हो गया भाई फ्लोरीन में 7, एक फ्लोरीन में 7 तो 5 सफे 35, 35 5 40 तो 42, 42 हुआ, डिवाइड करिए बेटा 42 को 8 से करेंगे, 5 टाइम जाएगा 40, कितना बचा 2, फिर कैसे करते हैं 2 से एक बार जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 5 प्लस 1 मतलब 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2, क्या बोला हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बॉन्ड पेयर कितना बेटा, यहां से बॉन्ड पेयर आपका कितना है 1 क्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 एटम है, बॉन्ड में कितना हुआ नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1, तो बॉन्ड पेयर हो गया आपका 5, तो लोन पेयर कितना हो गया 1, इसका शेप देखिए Cl एक लोन पेयर फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, इसको आप यदि मिलाएंगे तो ये आपका बनता है स्क्वायर पिरामिडल, क्या बनता है ये स्क्वायर पिरामिडल, क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल, कुछ चीज बनाने लगी स्क्वायर पिरामिडल कैसे बन रहा है, इसको समाप्त किया, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, तो आपको शॉर्ट याद है, स्ट्रिक से आप इजीली बता सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है XeF4, क्या है आपका XeF4, आप जब तक हम इसको रब कर रहे हैं आप फटाक से अपने उसकी प्रैक्टिस करिए, शेप बनाइए, फिर अपना क्रॉस चेक करिए, ठीक है ना, आपका एग्जांपल हुआ है 13 XeF4, ज़ीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक फ्लोरीन में 7, कितने फ्लोरीन है 4, सर 28 30 3 6 अच्छा 36 हुआ, सर 28 और 8 36 हुआ, करीब बेटा आपका 36 8 से डिवाइड किया 4 टाइम गया 32, 4 बचा, जो बचा उसे 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया 2 टाइम, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4 प्लस 2 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2, बॉन्ड पेयर देखिए बेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, एक ज़ीनॉन 4 फ्लोरीन, तो 5 एटम है, तो 5 माइनस 1 मतलब बॉन्ड पेयर 4, तो लोन पेयर कितना हो गया 2 हो गया, लोन पेयर कितना हो गया 2 हो गया, तो इसका शेप देखिए यहां बना रहे हैं शेप इसका, ये आपका है ज़ीनॉन, लोन पेयर कहाँ रहेगा बेटा आपका इस जगह पर बेटा, जब आपका हाइड्रोजन एस पी थ्री डी टू हो तो वहां पर लोन पेयर कहाँ रखते हैं, हमेशा एक्सियल पर रखते हैं, बेटा एक्सियल पर, एस पी थ्री डी में इक्विटोरियल पर और एस पी थ्री डी टू में एक्सियल पर, ऐसा इसलिए बेटा कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल इक्विटोरियल पोजिशन पर भी 90 है और एक्सियल पर भी 90 है, लेकिन जो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है ज्यादा, क्या होता है बेटा ज्यादा, आपको पता है लोन पेयर वहां रखेंगे जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, रिपल्सन एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल काम होगा, तो यहाँ पर नंबर रखा, अब आपका फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, तो इससे वो क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा IF7, क्या बोला IF7, देखिए आयोडीन में 7, एक फ्लोरीन में 7 इनटू 7
कितना हो गया 56, 8 से डिवाइड किया ये भी 7, इलेक्ट्रॉन पे क्या आ गया 7, बॉन्ड पे कितना होगा बेटा टोटल नंबर बेटा कितना हुए 1 आ गए 7 फ्लोइंग 8 हुए 8 माइनस 1 7, लोन पे कितना हो गया 0, तो अब ऐसे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन पे 7 है तो sp3d3, अब क्या बेटा sp3d3, इसका ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, क्या होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहां इसका शेप बना रहे हैं देखिए आप, ये बेटा आपका पेंटागन है, आयोडीन फ्लोरीन 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 यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, देखिए इसको ये पेंटागोनल है, अब इसको यदि हम मिला दें इस फ्लोरीन को बाकी पेंटागन के फ्लोरीन से तो बचे हुए 5 हम से यदि ऐड कर दें, नीचे वाले को भी पेंटागन के फ्लोरीन से मिला दें, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो पेंटागोनल एक पिरामिड एक नीचे क्या होगा बाई पिरामिड, इसका शेप क्या नाम क्या है पेंटागोनल बाई पिरामिड बेटा, तो यहाँ पर हम समझ लिए कैसे आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, डायवर्जन बताना है, लास्ट एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं उसका कौन सा XeF6, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इजीली आप हाइड्रेशन बना सकते हैं, बट आपको मॉलिक्यूल मिला नहीं कि आपने फट से उसका हाइड्रेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री सब कुछ फटाफट बता दिया, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, बट आपको जितने भी एग्जाम्पल कहीं भी मिला आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फटाक से उसका यूज करें और उसका शेप बता दें, ठीक है बेटा। आप देखिए अगला आपका एग्जाम्पल हुआ 15 XeF6, ठीक है, जीनोन में 8, एक फ्लोरीन में 7, 6, कितना हो गया 50 हो गया, डिवाइड करिए बेटा 50 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम गया 48, जो बचा 2 से डिवाइड किए 1 टाइम गया कट गया, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पर कितना बेटा आपका 6+1 मतलब 7, बॉन्ड पर कितना बेटा एक जीनोन 6 फ्लोरीन 7 एटम हुए 7-1 यानी 6, तो इसका मतलब लोन पेयर कितना हो गया 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3d3, और इसका शेप क्या होगा बेटा शेप देखिए जीनोन यहां बेटा देखिए ये जो इक्विटोरियल पोजीशन है 5 है, 5 इक्विटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 72, और ये पोजीशन होती है एक्सियल अबव बिलो, तो सीधी बात है एक लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ होगा जहाँ पर ये पर्सन मिनिमम हो, एक्सियल पर 90 डिग्री का कोण है और इक्वेटोरियल पर 72 डिग्री का, तो सीधी बात है 90 डिग्री रहेगा, यानी लोन पेयर कहाँ होगा एक्सियल पोजीशन पे, तो बाकी बातचीत के लिए आप लगा दिए फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और जब इसको मिलाएंगे तो ये हो गया आपका पेंटागोनल, और इससे जब अटैच करके देखेंगे तो ये पिरामिड फॉर्म किया कि नहीं किया, इसका नाम क्या है पेंटागोनल पिरामिड, क्या नाम इसका इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, ओके बेटा, तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे निकालेंगे कैसे उसका शेप बताएंगे सब सीखा, बहुत इजी ट्रिक है, आप इसका अपने से कहा प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल्स और करिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे बहुत आसानी से हाइड्रोजन पा सकते हैं, इसी साथ बड़ा ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।